नमस्कार। सिंगोनियम या एरोहेड प्लांट मनी प्लांट की तरीके से बहुत आसानी से उगने वाला पौधा है और इसीलिए तकरीबन हर घर की पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सिंगोनियम थोड़ा पुराना हो जाता है। जब वो लंबा होने लगता है तो या तो हम उसको मॉसी स्टिक पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे केस में वो बहुत ही जल्दी खराब सा लगने लग जाता है। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो लेगी होने लग जाता है, नीचे लटकने लग जाता है, ऊपर के पत्ते कम होते हैं, नीचे लटक के बड़ा अजीब सा हो जाता है। अब ऐसे लेगी सिंगोनियम को किस तरीके से शेप में रखें ताकि वो ऐसे घना लगे, बहुत हेल्दी रहे, इसको जानने के लिए देखते रहिए आज का वीडियो, मेरे साथ बने रहिएगा आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। सिंगोनियम की वैरायटीज का जहां तक सवाल है, कोई भी वैरायटी हो, चाहे वो छोटी पत्ती का सिंगोनियम हो, चाहे बड़ी पत्ती का हो, चाहे ऐसा पिंक हो, जो भी सिंगोनियम होता है टेंडेंसी सबकी एक ही जैसी होती है। तो आपके पास जो भी है ट्रीटमेंट सबके साथ एक जैसा करना है। ये देखिए मेरा एक सिंगोनियम मॉस पे चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, घना नहीं हो पाता है। इस वाले सिंगोनियम को मैं काटती रही हूँ तो काफी अच्छी शेप में है। ये पिंक सिंगोनियम जो आप देख रहे हैं ये भी लेगी होना शुरू हो रहा है, तो बहुत जल्दी इसके साथ भी वही करना पड़ेगा जो मुझे इसके साथ करना है। ये सामने से दिखने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सिंगोनियम कि बहुत अच्छा भरा हुआ है, इसका कंटेनर इतना है, लेकिन साइड से देखिए ये किस तरीके से हो रहा है। सामने से क्योंकि ये धूप आती रही, इस तरफ से ये पड़ा रहा, पीछे दीवार थी तो यहाँ यहाँ पत्तियां बढ़ती गई, लेकिन ये व्यू इसका बहुत खराब है। और वजह है कि ये जो लेगी हो रहा है पार्ट, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। एक बार आपको लगेगा कि आपने पूरा काट दिया, लेकिन बाद में आपको ये पौधा बहुत अच्छा मिलेगा, साथ ही आपको दो पौधे मुफ्त में मिलेंगे। डिपेंड करता है आपके पास कितनी ब्रांचेस है। अभी इसको मैं करके दिखाती हूँ और ये आपकी बहुत अच्छी दिवाली गिफ्ट फ्री में तैयार हो जाएगी। फ्री में अभी आपके पास बहुत पौधे तैयार हो सकते हैं। मैंने तुलसी, मरुआ, बेसल सब तैयार करके रखे हैं, ये भी तैयार हो जाएगा। इनको दिवाली पे गिफ्ट देने के लिए कैसे और सजाएं ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। गौर से अगर आप देखिए तो इसमें मैंने दो तीन पौधे लगा रखे हैं। ये एक प्लांचू की वैरायटी है, छोटा सिंगोनियम है, लेकिन ये अपनी जगह ठीक है। ये जो एक बड़ी पत्ती वाला सिंगोनियम डला हुआ था इसमें, ये जरा गड़बड़ हो रहा है। इसमें मेरे पास तीन ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही होंगी इधर, इनमें से ये एरियल रूट्स निकलती हैं। और अगर नहीं भी हैं अभी, देखिए इसमें ये एरियल रूट है, नहीं भी है तो यहाँ से बहुत जल्दी रूट्स निकल जाती हैं, तो ये पोर्शन आपका बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। अब करना सिंपली ये है कि जो ब्रांच आपको ऐसी लगती है कि ये इसी में सस्टेन कर सकती है, ये इसमें रूट आ रही है, ये इस पौधे को सस्टेन कर लेगी इसी पॉट में, और ये जो दो ब्रांचेस नीचे लटक गई हैं इन्हें मैं यहाँ से काट देती हूँ। जो इसकी रूट्स नीचे चली गई हैं इस गमले में, अगर ये निकलती हैं तो ठीक है, वरना इन्हें भी आप रूट्स को भी यहाँ से काट सकते हैं। ये जो रूट है इसी पे ये सस्टेन कर लेगी। तो सिंगोनियम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ये सिंगोनियम लग जाएगा या नहीं, क्योंकि अगर रूट होती है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो भी बहुत जल्दी यहाँ से रूट्स आ जाएंगी। और ये हिस्सा आपको लिटा के मिट्टी में गाड़ देना है तो आपका ये नया पौधा तैयार हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले में ये देखिए, ये जो है ये पत्तियां हैं, ड्राई लीव्स हैं, ये रूट्स नहीं है, इसको हटा सकते हैं, रूट्स आएंगी इस स्टेम के ऊपर। ये एक देखिए एरियल रूट थी छोटी सी जो सूख गई, लेकिन जैसे ही इसको पानी मिलेगा ये वापस से ठीक हो जाएगी, तो ये आपका दूसरा पौधा बन जाता है। इसको बस लिटा के उगाना है, पूरे इस पार्ट को मिट्टी में डाल दीजिए और ये मेरा एक पौधा, ये मेरा दूसरा पौधा। अब बात ये है कि इसका क्या होगा, ये जो इसका पार्ट था ये बहुत ही लंबा हो रहा था, लेकिन ये रूट इसको सपोर्ट करेगी, यहाँ पे इसकी खुदाई करके हम इसको गाड़ देंगे। आपका ये एक पौधा एज इट इज तैयार हो जाता है, लेकिन ये जो दो पौधे आपको मिल गए इन्हें आप अलग अलग पॉट्स में लगा दीजिए। बस सिंपली आपको ये रूट है, इस मिट्टी में मैंने थोड़ी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला रखा है, बस इस रूट को बहुत आराम से सेट कीजिए मिट्टी में और ये आपकी फ्री में दिवाली गिफ्ट तैयार हो गई है। इस वक्त कई ऐसे पौधे होते हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या उग जाते हैं इधर उधर, उन्हें इसी तरीके से उगा लीजिए और बहुत ही आराम से दिवाली पे ये आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये मेरे एक से तीन पौधे तैयार हो गए, बस अब इसे पानी देके छाया में 3-4 दिन रख देना है, उसके बाद ये एकदम से तैयार हो जाते हैं गिफ्ट देने के लिए।
इसमें नीचे आपको एक दो पत्ती कभी लगी होती हुई या सूखती हुई या पीली होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये एक शॉक है प्लांट के लिए, नेचुरल शॉक है कि कहीं से उसको अलग हटाया गया है। तो एक दो पत्ती जाएंगी, उसकी चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे नई पत्तियां आने लग जाएंगी। सिंगोनियम, जिसे हम एरोहेड प्लांट भी कहते हैं, बहुत आसानी से ग्रो करता है, आसानी से पल जाता है, इसीलिए गिफ्ट देने के लिए आइडियल पौधा है। जिसे भी आप देंगे, अगर नहीं भी संभालना आता है तो मनी प्लांट की तरह यह बहुत आसानी से उगता रहता है। तो बस दिवाली के लिए प्लांट गिफ्ट तैयार कीजिए। और अगर हम किसी पौधे को थैली में निकाल लेते हैं, उसको किस तरीके से डेकोरेट करके गिफ्ट करें, अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जुड़े रहिएगा अमलान बाग के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। नमस्कार।